Hello friends, this is Yashpal and you are watching Yes Tech School and today I will talk about AutoCAD 2016. हाँ जी मैं आज आपको AutoCAD 2016 के बारे में बताऊंगा. इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था आपको AutoCAD में इंट्रोडक्शन बताया था मैंने AutoCAD का यूज कहाँ पे होता है और कैसे कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं मोबाइल में आप कैसे यूज कर सकते हैं कौन सा वर्जन मोबाइल के लिए अवेलेबल होता है इसके अलावा किसके कौन कौन से वर्जन है किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सपोर्ट करता है और हम इस पूरे ट्यूटोरियल में पूरी सीरीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो क्या इसका हमारा सिलेबस रहेगा वो सारी वीडियो मैंने आपको पहले बना के डाली हुई है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि किस किस तरीके से आप उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके तो अभी मेरे पास जो AutoCAD इंस्टॉल है वो क्या है 2016 का जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ. मैं आपको आज इसके ओवरव्यू के बारे में बताऊँगा कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर वर्क करता है इसमें कौन कौन से टूल बार मेन्यू बार किस तरीके से काम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में आगे वेरी डिटेल में बात करेंगे. ओके तो अब इसे मैं क्या करता हूँ ओपन कर लेता हूँ. तो सिंपली अभी मैंने इसको ट्रायल में चला रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे नीड नहीं है. 30 डेज के बाद मैं इसे क्या कर सकते हैं क्रैक कर सकते हैं या आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं सीरियल की से अगर वो अगर आपको पूछना कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बता दूँगा. ओके तो सिंपली मैंने ट्राई पर क्लिक करता हूँ ये आपका क्या होगा AutoCAD यहाँ पर ओपन हो रहा है. तो जब आप देखेंगे इस तरीके से आपका ये ओपन होगा पर इससे पहले जो हमारे पास जो वर्जन थे 13 था इससे पहले भी जो भी था 12 था तो उसमें ये सारे जो ऑप्शन है आप जैसे ही देख रहे हैं साइन इन 360 ये सारे ऑप्शन वहाँ पे नहीं होते थे. लर्न के ऑप्शन नहीं होते थे क्रिएट के ऑप्शन नहीं होते थे पर यहाँ पे सारी चीज़ें हैं. ओके तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर लेंगे बाद में. अभी यहाँ पे क्या करना है आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है स्टार्ट ड्राइंग पे आपको क्लिक करना हो. कुछ ऑप्शन यहाँ भी आपको दे रखे हैं कि अगर आप ऑनलाइन कोई टेम्पलेट्स आपको लेना है वो आप ले सकते हैं कोई फाइल अगर आपने पहले से बनाई है तो उसको ओपन कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास सबसे पहले जो आ गया ये मॉडल है जहाँ पे मैं क्या करूँगा अपनी ड्राइंग करूँगा. ओके ये जो वर्जन है थोड़ा सा फास्ट है प्रीवियस वर्जन से. ओके तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो भी आप ड्राइंग करेंगे इसके अंडर में करेंगे जो आपको सामने दिख रहा है ये आपका क्या है मॉडल है. इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर लेआउट भी आते हैं जब आप ड्राइंग कर लेंगे तो आप लेआउट में क्या करेंगे उसे देख सकते हैं तो ये चीज़ तो आप जानते ही हैं. और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप कौन से वर्क स्पेस पर काम कर रहे हैं. तो वर्क स्पेस का मतलब ये होता है कि देखो उसमें इससे पहले जो वर्जन होते थे उसमें क्या आपको चार वर्क स्पेस दिए होते थे जैसे इसमें 2D AutoCAD क्लासिक होता था ड्राफ्टिंग एनोटेशन होता था 3D बेसिक्स होता था 3D मॉडलिंग होता था तो जो कि तीन यहाँ पे हैं AutoCAD क्लासिक यहाँ पे है नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो वर्क स्पेस थे वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ दिए तो ये सारा आपको देख रहे हैं. तो अभी जो मेरा करेंटली वर्क स्पेस है वो है आपका ड्राफ्टिंग एनोटेशन. वर्क स्पेस का मतलब ये होता है कि फ्रंट की जो आपके टूल बार है मेन्यू बार है जो आपको इस तरीके से दिख रहे हैं जैसे अगर मैं 3D बेसिक्स पे क्लिक करूँगा तो ज़्यादातर जो हमारे पास जो ऑप्शन हाईलाइट होंगे वो क्या होंगे 3D के होंगे. जैसे मैं 3D बेसिक्स पे क्लिक करूँगा जैसे आप देख रहे हैं तो सारे जो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं किसके आ रहे हैं 3D बेसिक्स से आ रहे हैं. और लास्ट में हमारे पास जो मॉडलिंग होता है जैसे मैं मॉडलिंग पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे क्या होगा आपको मॉडलिंग के आएंगे जैसे रेंडर वगैरह जो हम करते हैं सारा को जब डिज़ाइन तैयार हो जाती है तो मॉडल करते हैं तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस रिलेटेड आपके हो जाएंगे ऑप्शन आ जाएंगे. तो इस तरीके से आप क्या करेंगे जिस वर्क स्पेस पर आपको वर्क करना है उस वर्क स्पेस को यहाँ से आप क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं. ओके तो मैं अभी ड्राफ्टिंग एनोटेशन पर क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा ड्राफ्टिंग एनोटेशन वाला मोड खुल गया हुआ है. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं है जैसे अगर मान लीजिए आप न्यू है AutoCAD पे और आपको टेक्निकली नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है आप कोई भी इसको कर सकता है कोई टेक्निकल हो या ना हो तो ये सारा जो आप करेंगे ये इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच होती है डिप्लोमा वाले यूज़ कर सकते हैं मैकेनिकल वाले भी यूज़ कर सकते हैं सिविल वाले भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी यूज़ कर सकते हैं ये बेस है. उसके बाद जब आगे इस सॉफ्टवेयर से जब आगे बढ़ेंगे तब आपके क्या होते हैं सॉफ्टवेयर बढ़ जाते हैं सिविल का अलग हो जाता है मैकेनिकल का अलग हो जाता है तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊँगा. अगर नॉर्मली किसी को सीखना तब भी क्या कर सकता है वो सीख सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम यहाँ पे 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से वर्क कर सकते हैं वो हम वेरी डिटेल में बात करेंगे. ठीक है तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा इधर यहाँ वाले कॉर्नर पे आप आ जाइए. यहाँ पे दो चीज़ होती है टू थिंग्स है हमारे पास यहाँ पे एक तो होता है व्यू कंट्रोल और सेकंड थिंग जो होती है वो हमारा क्या होता है विजुअल स्टाइल कंट्रोल. तो विजुअल स्टाइल कंट्रोल से मतलब ये होता है फ्रेंड कि जो हमारा जो हम जब भी कोई क्या करते हैं कोई ड्राइंग बना रहे होंगे तो वो किस तरीके से दिखनी चाहिए 2D में आपको देखना है या उसे 3D में देखना है या फिर किस चीज़ में देखना है तो इसके लिए आपको क्या करना होता है यहाँ आना होता है. तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन है जैसे 2D वायर फ्रेम है कंसेप्चुअल है हिडन है रियलिस्टिक है शेडेड है कई सारे ऑप्शन है. तो 2D वायर फ्रेम जब भी आप 2D वर्क करते हैं हमेशा ये वाला हम यूज़ करते हैं बाकी के सारे हम 3D पे ज़्यादातर क्या करते हैं यूज़ करते हैं देखिए करके हम सारी की बातें करेंगे क्योंकि 3D पढ़ेंगे जब. ओके तो मैंने अभी टोटली यहाँ पर 2D वायर फ्रेम किया हुआ है. जब भी आप 2D की ड्राइंग करेंगे तो हम क्या करेंगे ये यूज़ करेंगे.
उसके बाद हमें नेक्स्ट चीज़ ये होती है, हमारे पास हमें व्यू कंट्रोल का यूज़ करना होता है। व्यू कंट्रोल से मतलब होता है कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका हम कौन सा व्यू देखना चाहते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, जो भी आपको व्यू देखना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे सर्कल का टॉप देखना है, बॉटम देखना है, लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो इसका मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट व्यू हो जाएगा ये सर्कल और रेक्टेंगल का, सॉरी। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी व्यू क्लिक करेंगे तो वो व्यू क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट का आपको दिखा देगा। बहुत ईजी, कुछ है नहीं इसमें। इसी तरीके से अगर आप जब 3D में वर्क कर रहे होते हो तो आपको क्या करना होता है, आइसोमेट्रिक यूज़ करना होता है, जो कि यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे 3D की जब पढ़ेंगे, जब आपको मैं बताऊंगा, तो आइसोमेट्रिक का भी यूज़ करेंगे जब आपको 3D ड्राइंग होगी। ओके, ये भी वहाँ पर आप यूज़ करने वाले हैं। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। जब 2D वर्क करेंगे तो आप यहाँ पे इनको कौन से साइड पे काम करना है आपको, लेफ्ट पे या राइट पे या फ्रंट पे ऑब्जेक्ट के, जैसे हम पढ़ते जाएंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। अब ये रेक्टेंगल जो आप देख रहे हैं उसका टॉप है, अगर आप बॉटम पे क्लिक करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, बॉटम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूज इसका कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ, इसका लेफ्ट है, जैसे अगर मैं राइट पे क्लिक करूँगा तो ये राइट साइड है। ये सारी चीज़ें आप यूज़ करेंगे। मैं टॉप पे क्लिक करूँगा तो इस ऑब्जेक्ट का क्या टॉप है। अब इसमें कुछ आपको ऐसा पता नहीं पड़ेगा, बस ये कि अगर आप देख रहे हैं ये लेफ्ट हो गया तो ये राइट हो गया, ये सारे व्यू आपको क्या कर देता है, सामने ला के आपको दिखा देता है। ओके, थर्ड हमारे पास ऑप्शन होता है व्यू पोर्ट कंट्रोल। अभी हमने जैसे कि दो ऑप्शनों के बाद में बारे में बात कर रहा था, एक तो व्यू कंट्रोल था और एक विजुअल स्टाइल कंट्रोल था, और एक सेकंड थर्ड जो हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है व्यू पोर्ट कंट्रोल। व्यू पोर्ट से मतलब होता है फ्रेंड, अभी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ये जो आप देख पा रहे हो, अब इसको एक बार में मैं एक व्यू में देख सकता हूँ, या टॉप में कर लूँ या बॉटम में कर लूँ या फिर कहीं भी कर लूँ। अगर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यार इसका टॉप भी देख पाऊँ बॉटम में देख पाऊँ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ व्यू पोर्ट आपको क्या करना है, इसके चेंज करने होते हैं। तो व्यू पोर्ट पे क्लिक करना होता है, फिर व्यू पोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट पे जाना होता है, फिर आपको यहाँ बताना होता है कि अभी यहाँ पे सिंगल है या फिर आपको टू वर्टिकल चाहिए, टू हॉरिजॉन्टल चाहिए या फिर आप कैसे चाहिए, मैंने टू हॉरिजॉन्टल। जैसे आप टू हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो एक ऊपर है या एक आपका क्या है नीचे है। तो नीचे अभी मेरे का टॉप व्यू आप देख पा रहे हो, अगर मैं क्या करूँ लेफ्ट पे क्लिक करूँ ये लेफ्ट हो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, टॉप दिख रहा है। इसी तरीके से आप कई सारे व्यू वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो करना बस यहाँ होता है, यहाँ पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको बताना सिंगल या जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं, इसी पे आपको काम करना है तो इसे मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं जो कि मैंने आपको बताए। एंड नेक्स्ट हमारे पास होता है ये, हमारे पास UCS बोलते हैं, इसमें एक्सेस होते हैं, एक्स होता है और आपका क्या होता है वाई होता है, जेड वर्क करता है, वो किस तरीके से वर्क करके मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो मूवेबल होता है, कहीं भी से मूव कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आपकी सारी जो ड्राइंग होती है, जो भी डायमेंशन होते हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। एक्स पे आपको काम करना है, वाई पे काम करना है। तो मैं जब कोऑर्डिनेट्स आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम जब आपको बताऊंगा तो आप देखेंगे एक्स वाई पे आपको कैसे वर्क करना है। ओके, तो ये होता है हमारे पास UCS। एक होता है WCS, उसके बारे में आपको बताऊंगा। WCS तो वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और UCS आप देख ही रहे हैं यूजर, UCS का मतलब यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे उसको सेट करेंगे। और WCS का मतलब होता है वर्ल्ड, टोटली वर्ल्ड होता है, जो भी आप यूनिट्स डालेंगे तो वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू वर्क करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो है वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारे मेन्यूज आपको दे रखे हैं, यहाँ पे क्या कर रखे हैं, ये रिबन आपको दे रखे होते हैं, जैसे ड्रॉ के ऑप्शन सारे यहाँ हैं, मॉडिफाई के यहाँ हैं, रोटेशन के यहाँ, लेयर के यहाँ, ब्लॉक के यहाँ हैं। तो इनको इजी आप राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे शो टैब्स पे जाते हैं। तो जैसे अभी होम आप देख पा रहे हैं, आपको अगर आप चाहते हो होम ना हो तो इसे ऑफ करिए, जो भी आप मेन्यू को यहाँ से ऑफ करना चाहते हैं इजीली आप वहाँ से क्या कर सकते हो, उसे हटा सकते हो, ये सिंपल है। या ये जो आप देख रहे हैं जैसे ड्रॉ का मॉडिफाई का, उनको हम पैनल बोलते हैं, पैनल को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। ड्रॉ पे क्लिक करूँगा, ड्रॉ वाला पैनल आपका हाइड हो गया, अगेन आपको शो करना है, अगेन शो पैनल पे, अगर ड्रॉ पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो शो हो जाएगा। ओके, और ये सारी चीज़ें मेन्यू जो आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा ये तो सारे ऑप्शन जो आपको पढ़ने हैं, अगर आपको मेन मेन्यू लाना तो उसके लिए आपको यहाँ जाना होगा और यहाँ पे किस पे क्लिक करना है, शो मेन्यू बार पे क्लिक करना है। जैसे आप शो मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे तो उसका मेन मेन्यू आ जाएगा, जिसमें फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, इनको हाइड शो कर सकते हो आप। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको आपको कुछ साइड से देखना है तो उसको आप यहाँ से क्या करेंगे, रोटेट कर सकते हैं। आपको बताना है कि नॉर्थ साइड है, ईस्ट साइड है, वेस्ट है या साउथ, आपको कौन सा उसका व्यू देखना है तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं, जैसे बेस्ट है। तो जो भी आप करेंगे जब हम 3D पे वर्क करेंगे तो और अच्छे वेरी डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो मैं दोबारा मैं यहाँ टॉप पर क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा टॉप आ जाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग, ये जो ऑप्शन आप क्या रहे होते हैं, ये आपका क्या है, टूल बार है, इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ, इसे शो कर सकता हूँ, हाइड कर सकता हूँ। बाकी इसमें ऑप्शन क्या काम करेंगे मैं आपको बताऊंगा आगे।
तो ये हमारे पास ऑप्शन थे। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी टूल बार शो और हाइड कर सकते हैं। टूल बार शो और हाइड करने के लिए क्या करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले एक और चीज़ आप देखिए, यहाँ पे आपको कमांड लाइन दिखती है। कमांड लाइन का मतलब होता है जो भी आप वर्क करते हैं, या तो आप विजुअली ग्राफिकली कर सकते हैं, कमांड पे क्लिक करिए, जो भी कमांड आपको यूज़ करनी है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्योंकि तो सारा कुछ क्या होता है, आपका कमांड पे डिपेंड होता है। आपको कमांड याद है तो आप डायरेक्टली टाइप कर दीजिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, क्लिक करके उसको वर्क कर लेंगे। तो आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, जैसे लाइन का यूज़ करना, मैं लाइन पर क्लिक करती हूँ, यहाँ से मैं क्या करूँगा, लाइन क्रिएट कर पा रहा हूँ ईजिली, यहाँ से लाइन बना दीजिए। या फिर अगर आपको लाइन कमांड के थ्रू, आप जैसे मैं एल दबाऊंगा यहाँ पे और एंटर दबा दूंगा, तो एंटर दबाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। वो काम आप वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से वर्क करना चाहते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है, कमांड लाइन होता है। इसके अलावा अगर मुझे क्या करना है, किसी टूल बार को शो या हाइड करना है, तो उसके लिए आपको करना है, यहाँ पे इधर है कमांड लाइन पे आना है और आपको यहाँ पर डैश लगा के लिखना है टूल बार। ओके, टूल बार लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको एंटर की दबाना है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं चाहता हूँ इतने भी जो टूल बार है सारे एक बार में शो हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑल लिखना है, ऑल एंटर दबाइए। सबको शो कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शो लिख दूंगा। ओके, शो, और आप एस भी कर, एस जो आप देखेंगे यहाँ पे एस भी आप लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये आपका ब्लू कलर होता है, ब्लू से मतलब अगर आप एस भी एंटर करेंगे तो भी क्या होगा, शो होगा, पर मैंने तो सारे सो ही लिख दिया और एंटर दबा दूंगा। तो जो भी मेरे पास क्या होंगे, टूल बार होंगे ऑटोकैड के अंदर, सारी चीज़ आपको यहाँ पे क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब मैं इनको हाइड करना चाहता हूँ, तो जी हाइड भी आप इजीली ऐसे ही कर सकते हैं जैसे आपने शो कराए थे। तो हाइड कैसे कर पाओगे, देखिए अगेन आप डैश लगाइए और यहाँ पे क्या लिखिए, टूल बार लिखिए और एंटर आप दबाइए, फिर आपने बोला ऑल, अब मैंने बोलता हूँ हाइड। ओके, तो मैं एच एंटर दबा देता हूँ, सारे क्या हो जाएंगे, छुप जाएंगे। अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर ही चाहिए, जैसे मुझे एक ड्रॉ चाहिए और एक मॉडिफाई चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि भाई आपको टूल बार तो लिखना ही लिखना है, फिर आपको बताना है उसका नाम। जैसे मुझे चाहिए ड्रॉ, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ लिखा, एंटर दबाऊंगा, उसको मुझे शो करना है, जी हाँ शो, तो ये आपका ड्रॉ टूल बार आ गया। मुझे कुछ और चाहिए था, अगेन आप डैश लगाइए और यहाँ पे क्या करेंगे, टूल बार लिखेंगे, एंटर आपको दबाना है। टूल बार का आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम बताना, जैसे मैंने ये लिखा, मैंने शो करा दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में मॉडिफाई का टूल बार भी आ गया। ये सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं और आगे इसमें क्या क्या ऑप्शन है, कैसे वर्क करेंगे। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था इसके बारे में, कुछ चीज़ें यहाँ भी दी हुई है, जैसे आप मॉडल पर वर्क कर रहे हैं और बाकी के सारे ऑप्शन हैं, आप ऑप्शन कैसे वर्क करेंगे मैंने आपको बताऊंगा जब आगे मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर ड्राफ्टिंग एनोटेशन होता है, ये आप जानते हैं किस तरीके से वर्क करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ से इन तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया, और बाकी की सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, तो जी आपको समझ में आ गया होगा ये हमारे पास क्या था, ओवरव्यू था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लाइन कमांड के बारे में पढ़ेंगे और आगे सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया था तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, कॉमेंट करिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आया तो उसे डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।